नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। छात्रों की मांग, रद्द हो बीएसएससी की तीनों पाली की परीक्षा। दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखेगी बिहार की झांकी। अब घर घर जाकर कोरोना मरीजों का सर्वे कराएगी सरकार। बिहार में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर होगी नियुक्ति। श्रीलंका के खिलाफ T20I और ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छात्रों की मांग, रद्द हो बीएसएससी की तीनों पाली की परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक की पहली पाली की परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों की मांग है कि इसकी तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कराई जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि तीनों पालियों का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसके साथ ही अगर परीक्षा केंद्र के अंदर छात्र मोबाइल नहीं ले जा सकता और क्वेश्चन पेपर बाहर लाने की अनुमति नहीं है, तो इसमें से तीनों पालियों के क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर मौजूद कैसे हैं। इसके अलावा छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को पहले सोशल मीडिया पर और फिर 1 जनवरी को सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखेगी बिहार की झांकी। दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखेगी बिहार की झांकी। एक बार फिर बिहार की गयाजी बांध थीम पर आधारित प्रस्तावित झांकी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए खारिज कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की झांकी को लगातार 7 सालों से रिजेक्ट किया जा रहा है। वहीं झांकी को चयनित नहीं करने को लेकर बताया गया है कि झांकी का चयन करना कई पैरामीटर्स पर निर्भर करता है, जिसमें विजुअल अपील, जनता पर प्रभाव, विचार, विषय, संगीत और झांकी में शामिल जरूरी डिटेल्स भी शामिल हैं। बिहार के गया में कोरोना के मिले 12 नए केस। बिहार के गया में बीते 24 घंटे में 53,104 लोगों की कोरोना की जांच की गई, जिसके बाद बिहार में 12 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। बता दें कि फिलहाल इन सभी कोरोना मरीजों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत इलाज जारी है। इस बात की जानकारी बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ट्वीट शेयर कर दी गई है। वहीं संबंध में गया के सिविल सर्जन रंजन सिंह के द्वारा बताया गया है कि अब तक गया में कुल 17 संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 5 मरीज ऐसे हैं जो गया जिले के डुमरिया प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिस वजह से अब कोरोना की जांच में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब घर घर जाकर कोरोना मरीजों का सर्वे कराएगी सरकार। बिहार में कोरोना की चौथी लहर की आहट आ चुकी है। ऐसे में बिहार सरकार की राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि अब आशा और NNM की सहायता से घर घर जाकर कोरोना मरीजों का सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान विभाग की टीम हर घर में जाकर पता करेगी कि परिवार में मौजूद किसी व्यक्ति को बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण तो नहीं है। इसके साथ ही टीम के सदस्य उसका उपचार भी सुनिश्चित कराएंगे। इस सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी DM, सिविल सर्जन, अस्पताल अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आदि को निर्देश भेजा गया है। बिहार में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर होगी नियुक्ति। उच्च शिक्षा के द्वारा विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर से संबंधित पदों के लिए रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। बता दें कि इसमें से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए सीधी भर्ती की जाएगी, तो वहीं सीनियर प्रोफेसर के लिए नियुक्ति प्रोन्नति के आधार पर की जाएगी। इसके लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत योजना बनाई गई है। अब अगर कोई सीनियर प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसके लिए उन्हें नई स्कीम के तहत प्रमोशन के लिए एक बार फिर से आवेदन करना होगा और उन्हें फिर से अपने अकादमिक क्षमताओं की जांच करानी होगी। बीएसएससी पेपर लीक मामले में 2 और अपराधी हुए गिरफ्तार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक के पेपर लीक मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 2 और अपराधी सॉल्वर रवि राज और रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अपराधियों को EOU की टीम के द्वारा पटना के मुसललपुर घाट के पास से गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों अपराधी सहरसा जिले के रहने वाले हैं, जिसके बाद अब तक इस मामले में कुल EOU की विशेष गठित टीम के द्वारा कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं जांच से यह पता चला है कि मुख्य आरोपी अजय कुमार ने अपने भाई विजय कुमार को व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर की तस्वीर भेजी थी। राजगीर में फिल्म सिटी का काम बंद, RTI ने किया खुलासा। बक्सर के RTI कार्यकर्ता निराला कुमार चौधरी के द्वारा राजगीर में बन रहे फिल्म सिटी को लेकर जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में कला संस्कृति विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी सह निदेशक सांस्कृतिक कार्य ने आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार से जानकारी लेकर कहा कि प्राधिकार के निर्देशक परिषद ने 22 जनवरी 2022 को ही इस परियोजना को प्राधिकार स्तर से बंद करने का निर्णय ले लिया था। मिली जानकारी के अनुसार जिस एजेंसी को यह प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करने के लिए चुना गया था, उसने कई बार PPT का प्रेजेंट दिया, लेकिन ना तो कोई पैसे मिले और ना ही कोई उच्च स्तरीय परियोजना की मंजूरी। बता दें कि इन सभी बातों का खुलासा RTI के द्वारा किया गया है।
बिहार पीएमसीएच में हो रहा ग्रीन ग्रिड का निर्माण। फ्रांस और जर्मनी की तरह बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी पहला ग्रीन ग्रिड बनने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इसे 5200 बेड के अस्पताल में परिवर्तित किया जाना है। आपको बता दें कि ग्रीन ग्रिड के निर्माण की लागत में लगभग 260 करोड़ रुपए आ रहे हैं। इसके निर्माण से सामान्य बिजली के साथ ही सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल होगा और ऊर्जा संरक्षण पर भी खास जोर दिया जाएगा। ग्रीन ग्रिड तकनीक को मूल रूप से जर्मनी में विकसित किया गया था, लेकिन पिछले एक दशक से इस तकनीक का प्रयोग भारत समेत अन्य देशों में भी किया जा रहा है। सरकार ने 2 CEO को किया निलंबित। बिहार में अब तक 16 अंचल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अब इस कड़ी में 2 और नाम शामिल हो गए हैं। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा गोपालगंज के फुलवरिया के अंचलाधिकारी श्याम सुंदर राय के विरुद्ध दाखिल खारिज को पूर्व में अस्वीकृति करने और बाद में पुनः उसी वादों को पूर्व के दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृति देने, परिमार्जन संबंधी मामले को आवेदक को बगैर सूचना दिए ही अस्वीकृत करने, ऑनलाइन जमाबंदी सुधार के मामले को लंबित और बड़ौली के अंचल अधिकारी कृष्णकांत चौबे के विरुद्ध अंचल कार्यालय में अनाधिकृत कर्मी से कार्य कराने जाने के आरोप पर निलंबित किया गया है। 5 जनवरी से नीतीश कुमार करेंगे समाज सुधार अभियान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से समाज सुधार अभियान के तहत राज्य की यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार महात्मा गांधी की कर्मस्थली चंपारण से करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह बिहार यात्रा करीब 1 महीने तक चलेगी, जिसमें नीतीश कुमार राज्य के सभी हिस्सों में जाकर जनसंपर्क करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले भी वह पिछले साल 22 दिसंबर को मोतिहारी से अपने यात्रा की शुरुआत की थी। वहीं इस बार के यात्रा में नीतीश कुमार उन सभी स्थानों पर जाएंगे जहां पिछली बार नहीं जा सके थे। 3 जनवरी को जेपी नड्डा का बिहार दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 3 जनवरी को एक दिवसीय दौरे के लिए बिहार आ रहे हैं, जहां वह बिहार के वैशाली जिले के गड़ौल से जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ शंखनाद करेंगे और साथ ही राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करके नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाएंगे और महागठबंधन की खामियों को बताएंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं जेपी नड्डा के एक दिवसीय बिहार दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने पूर्व मंत्री जीवेश कुमार को प्रभारी के रूप में चुना है। हर जिले में कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, समीर कुमार महासेठ। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कृषि आधारित उद्योगों और निर्यात आधारित उद्योगों की स्थापना को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने प्रदेश राजद कार्यालय में सुनवाई के दौरान कहा कि हर जिले में कृषि आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के स्वरोजगार तथा छोटे उद्योग की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना तथा स्टार्टअप योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक है। वैसे युवा जो इन आवेदनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, वे जल्द जल्द आवेदन कर दे ताकि सरकार के द्वारा उसे पूरा किया जा सके। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर लगाया लालू परिवार को संरक्षण देने का आरोप। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी, अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि केवल 23 साल की उम्र में बिना नौकरी के दिल्ली में उन्होंने 30 करोड़ का घर कैसे बनवा लिया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने केवल तेजस्वी यादव को संरक्षण दे रहे हैं, बल्कि उन्हें नेतृत्व सौंपने की घोषणा कर चुके हैं। इस भ्रष्टाचार से समझौता करना नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेंगे। श्रीलंका के खिलाफ T20I और ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल और 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान BCCI के द्वारा कर दिया गया है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। बता दें कि T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए कप्तान के रूप में रोहित शर्मा के चोटिल होने की वजह से हार्दिक पांड्या का चयन किया गया है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि वनडे में KL राहुल के रहते हुए हार्दिक को उप कप्तान के रूप में चुना गया है, जिसके साथ ही वनडे में रोहित की वापसी हो जाएगी, इसलिए वनडे की कप्तानी उन्हें ही सौंपी गई है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम इंडिया से बाहर कर हार्ड हिटिंग सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित
निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.25 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, कुश कुमार यादव, गौतम यदुवंशी, टिंकू कुमार, परमात्मा सिंह, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, अमर आजाद, कन्हैया कुमार, वीरेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, भान प्रकाश मौर्य, कुलदीप कुमार, नन्नू गोलू कुमार, धीरेन्द्र कुमार, ऋषिदेव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जेपी नड्डा का बिहार दौरा बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।